हेलो फ्रेंड्स, तो सोचा चलो आज आपके कमेंट्स का जवाब दे देता हूँ। बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं। ये जय कोलादिया जी ने लिखा हुआ है, फ्लैशर इंस्टॉल वीडियो प्लीज़। हमें समझ में नहीं आ रहा फ्लैशर इंस्टॉल वीडियो प्लीज़, मतलब अब देखिए फ्लैशर तो वहाँ पे है, ऑलरेडी लगा हुआ है, उस वजह से आपके लाइट्स ब्लिंक हो रहे हैं। तो और लगाते हुए कैसे करूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसा है इसीलिए। तो उसका वीडियो तो फिलहाल नहीं मैं बना पा रहा, और बनाने की ज़रूरत भी नहीं क्योंकि फ्लैशर है, उसमें बस 3 वायर वाली पिन लगती है, और लग जाती तो नॉर्मली आपका फ्लैशर वर्क करने लगता है। तो वही एक है और कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा, तो मुझे लग रहा उसमें कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसलिए फ्लैशर का तो कुछ ये नहीं है। हाँ, कुछ लोगों ने पूछा था फ्लैशर कहाँ पर बताइए, तो मैंने इसलिए एग्जैक्ट लोकेशन बता दिया है। तो फ्लैशर आप निकालिए, और आपको अगर आफ्टर मार्केट कुछ फ्लैशर मिल रहा है या कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो आप कर सकते हैं। मैंने नहीं किया तो इसलिए कुछ नहीं कर सकते। ओके, सेकंड जो है सवाल पूछा हुआ है, रियासत अल जी ने पूछा है, एरर 95 व्हेन हैंडल इज लेफ्ट टर्न लेफ्ट और एल्स नो एरर ऑन द राइट टर्न, प्लीज़ एडवाइस। ओके, तो एरर 95 अगर आपको आ रहा है, आप अगर स्टेयरिंग लेफ्ट साइड में टर्न कर रहे तो मतलब इसका जो है पूरा कनेक्शन जो है वो क्या हुआ है कि आपकी जो थ्रोटल की, जैसे देखिए मैंने कहा था वायर्स में एक राउंड वाली वायर जो है वो आपकी लूज है कहीं पे, तो वो वायर कंट्रोलर को जाती है। तो जैसे आप लेफ्ट टर्न मार रहे हैं ना, तो उसमें क्या हो रहा है, थोड़ी वायर खींची जा रही है जिस वजह से वो प्लग में लॉक नहीं हुआ है। अगर प्रॉपरली वो पिन लगी नहीं है ना, तो आप अगर लेफ्ट साइड में टर्न मारते हैं तो थोड़ी भी वायर खींच जाएगी तो आपका एरर 95 आ जाएगा। तो मुझे पूरा डाउट है कि आपका लेफ्ट साइड जो आपका जब टर्न मारते हैं तब आपका वो वायर जो है वो खींच जाती है। तो आप एक बार चेक कर लीजिए वो पिन बराबर है या नहीं, और फिर उसके बाद जो है आप नॉर्मली जो भी आपको मतलब टाइट कर लीजिए, पहले वो वायर को निकालिए और फिर से एक बार टाइटली लगाइए, तब आपका ये जो प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे यही इश्यू लग रहा है क्योंकि आपके हॉल सेंसर का इशू नहीं है, होता तो परमानेंट आपको प्रॉब्लम आता, पर टर्निंग पे है तो वायर खींच रही है आपकी। तो राइट साइड में जो है हॉल सेंसर लगा हुआ रहता है, जो सॉरी थ्रोटल की वायर गई हुई है, रेड कलर की वायर है लंबी वाली, पिन रहेगी वाइट कलर की जो थोड़ी राउंड है, वो एरर 95 के लिए पूरी तरह रेस्पॉन्सिबल है। तो वो चेक कर लीजिए और फिर बताइए। दिनेश कुमार जी ने लिखा है, वेरी नाइस व्लॉग, इसकी हेडलाइट चेंज करके राउंड वाली लगवा सकते हैं क्या? ओके, दिनेश कुमार जी, राउंड वाली लगा सकते हैं, पर उसके लिए आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। रीज़न ये है कि इसी के हेडलाइट के अंदर ही डायरेक्ट जो है इन्होंने साइड इंडिकेटर्स लगाए हुए हैं, तो आपको साइड इंडिकेटर्स जो है पहले आपको ये हेडलाइट को काटना पड़ेगा, उसके बाद साइड इंडिकेटर्स की जो वायर जो है, ठीक है, मतलब पिन यही रहेगी पर सब कुछ इसी का, पुराना जो हेडलाइट है उसी का सामान थोड़ा आपको यूज़ करना पड़ेगा। बस हेडलाइट निकाल के आपको बाकी जो है वायरिंग निकाल के, उस वायरिंग में आपको जो आप दूसरे हेडलाइट लगाने वाले हैं आपको उसका जो है कनेक्शन वहाँ पर जोड़ने पड़ेंगे, तो वो करेंगे तो मेरे ख्याल से वारंटी वाइड हो जाएगी, तो मत कीजिए, बस इतना ही कहूँगा। पर लगा सकते हैं, पर उसके लिए आपको जैसे मैं कहा कि हेडलाइट को काटना होगा, उसके अंदर से आपको वायरिंग्स निकालनी पड़ेंगी क्योंकि एक ही प्लग आया हुआ है हेडलाइट का, अब वो प्लग के अंदर दो इंडिकेटर्स के कनेक्शन है, हेडलाइट के जो है एक प्रोजेक्टर प्लस एक एलईडी, तो उसके टोटल 4 या 5 वायरिंग्स गए हुए हैं, ठीक है, और साइड जो है डीएलआर उसकी एक कनेक्शन गए हुए हैं, तो इतने सारे जो है करीब 8 से 9 वायर्स वहाँ पे गए हुए हैं। तो आपको वो पिन जो है वो ही यूज़ करनी होगी, सिर्फ इतना है कि आपको हेडलाइट काट के वो पूरी वायरिंग निकालनी होगी, और वो वायरिंग पे आपको इंडिविजुअली हर एक चीज़ लगानी पड़ेगी। जैसे अपर डिपर का जो है प्रोजेक्टर प्लस एलईडी है, तो अपर अगर आप देते हो तो नॉर्मली एलईडी चलती है, डिपर आप जो चालू करते हो तो प्रोजेक्टर ऑन हो जाता है, तो वो जो भी है मतलब मे बी उल्टा भी हो सकता है पर मैं बता रहा हूँ। तो आपको वायरिंग जो है उसी वायरिंग पे, अपर डिपर के वायरिंग पे आपको दूसरी हेडलाइट लगानी पड़ेगी, उसकी कनेक्शन देना होगा, और डीएलआर जो है उसका आपको यूज़ करना है तो कर लीजिए, या कहीं और उस पर कुछ और लगाना है आप वो भी कर सकते हैं, तो नॉर्मली यही है और कुछ नहीं, ठीक है।
नितिन धुमाल जी ने लिखा, प्लीज रिप्लेस सर, सॉरी एक्चुअली नितिन धुमाल जी, मुझे आपका एरर सच में नहीं समझ में आ रहा है, आप प्लीज़ ज़रा मुझे मेल में पूरी तरह से अच्छे से ज़रा बता दीजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम फेस हो रहा है, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स में ज़रा मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ जवाब देने, तो इसलिए देखिए ज़रा जो भी है आप, मैं फ़िलहाल तो कुछ ना प्रॉपरली नहीं बता पाऊँगा, पर ट्राई कर लीजिए ज़रा मुझे आप मेल ज़रा कर लीजिए, मीन्स मैं कोशिश करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो आज की जो वीडियो जो है ये चार्जर रिलेटेड है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है चार्जर का इशू आ रहा है, जैसे मुझे भी आ रहा था बीच में रिसेंटली, जो मुझे प्रॉब्लम जो आ रहा था ये था कि बैटरी मेरी चार्ज नहीं हो रही थी, चार्जर मेरा जब लगा देता था तो ग्रीन लाइट जलती है डायरेक्टली, ठीक है, मतलब चेक करता था बैटरी, पर उसके बाद जो है बैटरी जो है वो चार्ज होना स्टार्ट होती होनी चाहिए, तो उसके जगह पे चार्ज ना होके वो सिर्फ और सिर्फ जो है नॉर्मली ग्रीन लाइट आ जाती थी और रुक जाती थी, जबकि मेरी बैटरी 60% चार्ज थी, 60 या 67%, फिर भी ये प्रॉब्लम था। तो देखिए अगर आपको भी ये प्रॉब्लम अगर है, तो बेसिकली प्रॉब्लम जो है वो इसका सॉल्यूशन ये बेस प्लेट में है, ये जो प्लेट है ना ये आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है, आप जब ये प्लेट जब निकालेंगे, ये निकाल के एक बार जो है ये प्लेट को आप निकालिए, इसके कनेक्शन जो है वो एक बार साफ़ कर लीजिए और फिर से ये प्लेट इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आपको कोई भी अगर इशू आ रहा है, जैसे कि कई लोग कई जो है मेरे सब्सक्राइबर, उन्होंने कहा कि उनको प्रॉब्लम ये आ रहा है कि उनकी जब गाड़ी जब डाउन है बैटरी और चार्जर पे लगाते हैं तो फ़ैन स्पिन होता है, रेड लाइट आती है, फ़ैन स्पिन होता है, उसके बाद फिर से फ़ैन बंद हो जाता है पर रेड लाइट रहती है, फिर उसके बाद फिर से फ़ैन चालू होगा, फिर से रेड लाइट, रेड लाइट वैसी ही रहेगी, रेड लाइट ग्रीन नहीं होती, रेड लाइट कांस्टेंट रहती है, बस फैन जो है वो बंद होके चालू होता है, बंद होके चालू होता है, ये कंटिन्यू चालू रहता है प्रोसेस। तो अगर ये आपका प्रोसेस ये कंटिन्यू चालू है, या फिर अगर आपका दूसरा इश्यू जो है, जैसे मैंने कहा कि आपका अगर चार्जिंग पे आप लगा रहे हैं और लगाने के बावजूद भी अगर आपकी गाड़ी जो है वो ग्रीन लाइट दिखा रही है बैटरी, ठीक है, तो ये बोर्ड का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो मैं बताया तो अभी क्या है, तो नॉर्मली जो है रिले का भी प्रॉब्लम होता है, पर रिले कौन सा है मैं बता देता हूँ, ठीक है, एक मिनट कैमरा लगेगा प्रॉपर से, ओके हाँ ये बेस प्लेट है, ओके जी हाँ, ये देखिए ये जो वाइट जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये ST8182F रहेगा, ये जो है ये रिले है, ठीक है, तो कई बार हो जाता है प्रॉब्लम कि रिले भी आप अगर आप टैप करोगे, अगर आपको जब आप लगा रहे हो चार्जिंग पे तब तो आपको कट 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 कुछ आवाज़ नहीं आ रही है अगर चार्जर से, तो आपका रिले फॉल्टी हो सकता है, तो उसके लिए ये रिले जो है ये वाइट वाला ये रिप्लेस करना होगा, ठीक है, अगर बाई चांस वो नहीं है अगर, तो फिर मैं बता देता हूँ कि क्या हो सकता है। तो ये देखिए ये प्लेट निकालने के लिए 3 स्क्रू निकालने पड़ेंगे, 1 2 3, ठीक है, और ये तीसरा वाला स्क्रू, ये निकालोगे तो आपकी पूरी प्लेट जो है ये निकल जाएगी, ओके, तो आपको बस इतना ही करना है कि वो प्लेट निकालनी है, उसमें जो कनेक्शंस जो है, ठीक है, वो निकाल के आप ब्रश वगैरह से साफ़ कर लीजिए, और ब्रश वगैरह साफ़ करने के बाद फिर से उसे इंस्टॉल करिए, पर एक बात है इंस्टॉल करने से पहले प्रॉपरली वो इंस्टॉल हो, इसलिए आपको देखना है कि उसमें टोटल 3 कनेक्शंस है, मैं आपको बताना चाहूँगा 3 कनेक्शंस कहाँ कहाँ पे है वो, तो देखिए इसमें जो है ये फर्स्ट जो स्क्रू है मिडल वाला, उसके बाजू में जो है ये कनेक्शंस है, ये वाला एक है जो मदरबोर्ड जो नीचे का मदरबोर्ड जो है उस पर कनेक्शन होता है, तीसरा स्क्रू जो है उसके बाजू में जो है लेफ्ट साइड में उसके वो कनेक्शंस है, चौथा वाला जो कनेक्शन जो है वो जो दूसरा वाला जो टॉप वाला जो स्क्रू है, ठीक है, टॉप वाला जो स्क्रू है उसके नीचे 6 पिन वाला जो कनेक्शन है वो एक है, ठीक है, और बीच में जो आपको स्क्वायर नज़र आ रहा होगा ये देखिए ये स्क्वायर जो नज़र आ रहा है, तो ये एक कनेक्शन है, तो
तो आपको जब भी फिटिंग जब करते हो तो देखिए, ध्यान रखिए कि एक ये कनेक्शन, एक जो है ये वाला कनेक्शन, और एक जो है ये वाला कनेक्शन, और लास्ट ये वाला। ठीक है, ये जो कनेक्शन जो है आपके बराबर मोड़, जो नीचे के बोर्ड जो है उस पर कनेक्टेड है या नहीं, वो देखिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, मैंने देखा हुआ है कि चार्जर नीचे गिर जाता है, तो ये इसमें लूज़ कांटेक्ट होने का चांसेस है। ठीक है, कई बार जो ये हिल जाते हैं, तो उस वजह से आप ये टॉप वाला बोर्ड निकालिए, नीचे ब्रश मार लीजिए, अच्छे से साफ़ कर लीजिए, और निकालने के बाद क्या कर लीजिए, ऊपर का बोर्ड लगाने से पहले ये लास्ट की जो प्लेट जो है ये वाली जिसमें वायर्स लगे हुए हैं, ठीक है, ब्लैक वाली जो ये जो प्लेट है ये निकालिए पहले। ओके, वो वाली प्लेट आप निकाल दीजिए ताकि आपको अच्छे से नज़र आए कि कहाँ पे आपका कनेक्शन लग रहे हैं और कहाँ पे कनेक्शन नहीं लग रहे। उसके बाद ही आप जो है ये तीन स्क्रू लगाए, और बाद में आप चार्जिंग पे लगा के देखो, आपका प्रॉब्लम जो है मेरे हिसाब से सॉल्व होना चाहिए, क्योंकि मेरा तो हो गया। ठीक है, अगर बाय चांस ये बोर्ड, ऊपर का बोर्ड जो है ये अगर प्रॉपरली लगता नहीं, ठीक है, तो क्या एरर आएगा वो बता देता हूँ। अगर ऊपर का प्लेट जो है ये अगर प्रॉपरली लगती नहीं, तो यहाँ पे जो है एक बीच में यहाँ पे लाइट है, देखिए ये वाली, हाँ ये वाली जो यहाँ पे लाइट जो है ये ब्लिंक होगी, फिर ग्लो होगी ग्रीन, और फिर से वो बंद हो जाएगी, और फैन आपका जो है वो फैन वैसे आपका काम करना बंद कर देगा। ठीक है, तो यही बात जो है नॉर्मली आपको ध्यान रखनी है कि इसी हिसाब से आपको काम करना है, और कुछ एक्स्ट्रा आपको करने की ज़रूरत नहीं। अब बाई चांस अगर रिले का आपका आवाज़ नहीं आ रहा, तो रिले में जैसे कहा था, ये देखिए ये नीचे का जो है ये रिले है, आपको रिले पे ध्यान दे दीजिए, देखिए रिले का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या। तो ये एक है, पर नॉर्मली मुझे दो बार एरर आया था जो चार्जिंग का, वो मेरा इसी तरह सॉल्व हो गया। मैंने जस्ट ये ऊपर का जो टॉप का बोर्ड जो है ये निकाल दिया, ये तीन स्क्रू खोल के ब्रश से साफ़ कर लिया, और उसके बाद जो है मैंने बोर्ड लगाने की कोशिश की, पर बोर्ड बराबर से लगा नहीं था। अब बोर्ड जब बराबर से नहीं लगा तो क्या प्रॉब्लम आ रहा था, लाइट जो है वो रेड कंटिन्यू ग्लो हो रही थी, पर चार्जिंग नहीं हो रही थी गाड़ी। ठीक है, मुझे डैशबोर्ड के अंदर चार्जिंग का सिंबल दिख नहीं रहा था। दूसरा जो मुझे जो नज़र आया वो ये था कि फ़ैन स्पिन होता था रुक जाता था, फिर स्पिन होता था रुक जाता था, ग्रीन लाइट नहीं आ रही थी, रेड लाइट आ रही थी, पर रेड लाइट के अंदर ही ये बार बार कहीं प्रॉब्लम आ रहे थे। तो नॉर्मली ये एक इशू है। ठीक है, तो इसी तरह जो है ये प्रॉब्लम आता है, तो आपको चार्जर में ये करना है। बाकी अगर आपका कुछ जल मिल गया होगा चार्जर, तो वो अलग पार्ट है, पर मैं ये नॉर्मल जिनको इश्यूज आ रहे हैं उसमें उनको मैं बताया था। क्योंकि जब ये चार्जर नीचे गिर जाता है, तो ये बोर्ड जो है कई बार अपने कनेक्शन से निकल जाता है, जिस वजह से आपकी गाड़ी चार्ज नहीं होती। तो फिलहाल के लिए चार्जर पे अगर आप बोलोगे, तो यही एक मेरी इतनी सजेशन मैं दे करूँगा आपको, कि आपको चार्जर की ये प्लेट निकालनी है, ये ऊपर का पार्ट है ये मैंने खोला, और इसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए ब्रश वगैरह मार के। आपके पास अगर ब्लोअर है, कोल्ड ब्लोअर, हॉट वाला नहीं कोल्ड वाला, तो ब्लोअर मार दीजिए, ब्रश मारिए, अच्छे से साफ़ कर लीजिए, फिर से उसे लगा दीजिए, और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नॉर्मली आपका प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। फिर भी अगर सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप बताइए आपको क्या एरर आ रहा है चार्जर के अंदर, और मैं पूरा कोशिश करूँगा उसे रिसॉल्व करने की। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतनी मेरी चार्जर से रिलेटेड वीडियो है। अभी अगली वीडियो रेंज के ऊपर आएगी, रेंज और टॉप स्पीड के ऊपर, उस पर बनाऊँगा क्या है कैसी है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, तो तब तक कीप सपोर्टिंग, और कुछ इश्यूज़ हैं तो डेफिनेटली आप मुझे गेट बैक कर लीजिए, मेल कर लीजिए, आप कमेंट्स में लिख लीजिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करने तैयार हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो के साथ।